EIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। कृषि परिक्रमा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी यानी कि कृषि शिक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने तीन खंडों के द्वारा। आज हम सबसे पहले हमारे कृषि गतिविधि खंड में बात करने वाले हैं नए कृषि कानूनों के बारे में। किसान भाइयों बहनों, समय समय पर हमारी वर्तमान सरकार किसानों के हितों के लिए कई तरह की योजनाएं लेकर आती है और हाल ही में तीन नए कृषि कानून भी लागू किए गए हैं। किस तरह से ये आपके लिए हितकारी हो सकते हैं, कैसे आप इनका लाभ ले सकते हैं, आइए जानते हैं हमारे पहले कृषि गतिविधि खंड में। कृषि में कई अहम सुधार करने के लिए सरकार ने उपज बिक्री की व्यवस्था में कई जरूरी बदलाव किए हैं। इस दिशा में सरकार ने कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020 लागू किया है। इस अधिनियम के लागू हो जाने से अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यवसायिक कंपनियां, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकेंगे। करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए जरूरी साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी खरीदार की होगी। अधिनियम के लागू हो जाने से अब पैदावार के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। वहीं किसानों को उपज की बिक्री पर होने वाला खर्च भी नहीं देना पड़ेगा, यानी किसानों के मुनाफे में पहले के मुकाबले खासी बढ़त होगी। फसल का बीमा तो कराया ही जाएगा, साथ ही जरूरत होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से कर्ज भी ले सकेंगे। इतना ही नहीं, किसानों को मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलेगी। ये अधिनियम अनुबंधित किसानों को नियमित और समय पर भुगतान की सुविधा भी देता है। जाहिर है कि कृषि में हुए इन सुधारों से किसान काफी फायदे में रहेंगे। देखिए, भारत सरकार में हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि किसान को उसकी कीमत की ज्यादा से ज्यादा की उसकी उपज की ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी जो खेती है वो लाभकारी हो। तो इसमें जो दो बाधाएं थी जो अभी किसान के सामने आती थी वो ये थी कि जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो भाव उसको नहीं मिल पाते थे, भाव कम हो जाते थे, और अगर उपज कम होती थी और भाव होते थे तो उसके पास बेचने के लिए ही सरप्लस नहीं होता था। दूसरा समस्या ये थी कि जब मंडी में उपज को लेके किसान जाता था तो केवल जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही उस उपज को खरीद सकते थे, तो उसके पास ये विकल्प नहीं था कि वो मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी कीमत मिल सकती है तो उसको बेच सके, क्योंकि प्रतिबंध था प्रत्येक राज्य में मंडी अधिनियमों के अंतर्गत कि केवल मंडी में ही उपज बिक सकती है। भारत सरकार की MSP की व्यवस्था लागू थी जो अब भी लागू है, वो विकल्प हमेशा ही किसान के पास उपलब्ध था, पर बहुत बार किसान को जो अच्छी कीमत जिन उपजों की MSP वैल्यू नहीं होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोड्यूस है, फल फूल सब्जियाँ हैं और भी बहुत सारी प्रोड्यूस है जिसकी जो निर्भरता है वो मार्केट के ऊपर है, और अगर मार्केट में सही एवेन्यूज और सही प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। आइए कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में बढ़ते हैं आगे हमारे अगले खंड यानी कि कृषि साहित्य खंड की ओर। हमने केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के डीन से बात करी और उन्होंने हमें ये जानकारी दी कि वहाँ से किस तरह की कृषि संबंधित पुस्तकें किसानों के लिए निकलती हैं। आइए इसके बारे में तमाम जानकारी विस्तार से हासिल करें।
डॉक्टर चतुर्वेदी, सबसे पहले क्योंकि ये जो हमारा ये जो खंड है जिसमें हम बात करते हैं कृषि साहित्य को लेकर, और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की, तो कृषि पत्रिकाएं जो हैं लगातार यहां से प्रकाशित होती हैं जिससे किसानों को जानकारी मिलती है। कौन सी ये पत्रिकाएं हैं और किस तरह की जानकारी का जो हम कह सकते हैं समन्वय है इसमें दिया जाता है जिससे किसानों को जानकारी मिलती है? जैसा कि अभी आप बात कर रहे हैं कि जो कृषि प्रसार है, जी कृषि प्रसार में अगर हमें किसानों की आमदनी बढ़ानी है या उनका जो कृषि उत्पाद है उसको बढ़ाना है, उसमें वैल्यू एडिशन करना है, तो इसके लिए समय समय पर तमाम जो कृषि प्रसार पत्रिकाएं हैं, वो साहित्य है जो अखबारों में भी आता है, वो सब प्रकाशित होता रहता है। जी, और इस क्रम में चूंकि ये हमारा विश्वविद्यालय है, बुंदेलखंड के में विशेष महत्व का विश्वविद्यालय है और केंद्र के होने के नाते, तो इसमें विश्वविद्यालय ने विगत वर्षों में अभी एक दो पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया है। इसमें पहली जो पत्रिका है वो हमारी कृषि जीवन है, कृषि जीवन है, जिसको हमने कृषि से जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है, और इसमें बुंदेलखंड से संबंधित कृषि बागवानी वानिकी जैसे जो मामले हैं, इनमें बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। जी बिल्कुल, और फसलों की उत्पादकता भी प्रदेश और देश के अन्य भागों की अपेक्षा बुंदेलखंड क्षेत्र की जो उत्पादकता फसलों की हो चाहे हमारे जानवरों की हो, इनकी सभी की जो उत्पादकता बहुत कम है। जी बिल्कुल, तो किसान और जो हमारे दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनकी जानकारी के लिए कि हमें क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए, चाहे वो कृषि हो चाहे कृषि से जुड़े अन्य व्यवसाय हो, उनमें क्या हम कर सकते हैं, इसको इसकी जानकारी देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने खासतौर से कृषि को बढ़ावा, वो भी हिंदी माध्यम से, जो अपनी राजभाषा उसके माध्यम से देने के लिए कृषि जीवन नाम की एक राजभाषा पत्रिका है हिंदी में, इसका हमने प्रकाशन शुरू किया है और अभी वर्ष में हम इसके दो अंक प्रकाशित कर रहे हैं हिंदी में। यानी हर छह महीने में एक अंक जो है वो किसानों के बीच पहुंच जाता है, वो किसानों के बीच हम वितरित करते हैं। जी, और इस पत्रिका में हम लोग एक बहुत शुरू किया है कि जो हमारी प्रमुख फसलें हैं खासतौर से जो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए है, वो चाहे हमारी फसलें हैं चाहे बागवानी है या वानिकी से संबंधित है, इनके जो तकनीकी लेख है तो सरल भाषा में किसानों तक पहुंचे, विद्यार्थियों तक पहुंचे जो दूसरे विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं और जो खासतौर से जो कक्षा 10 में है 11 12 में पढ़ते हैं उनके लिए है, या जो ग्रामीण अंचल में जो लोग निवास कर रहे हैं उन सबको जानकारी प्राप्त हो, इसके लिए एक जीवन पत्रिका हमने इसका प्रकाशन शुरू किया है। जी डॉक्टर चतुर्वेदी, अगर संभव हो हम चाहेंगे आप ये जो पत्रिका अगर दिखा सकें जिससे जो और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी अब पहचान सकें कि किस तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कृषि को जीवन से जोड़ने के लिए। बाकायदा जैसा आपने बताया विश्वविद्यालय द्वारा कृषि पत्रिका जो है वो प्रकाशित की जाती है, वो भी साल में दो बार। तो जैसे ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये कृषि जीवन है, ये पत्रिका जो है इसका नाम कृषि जीवन है और इसका जो नवीनतम अंक है ये जून 2020 में ये भी प्रकाशित किया गया है। जी, और इसमें बुंदेलखंड के जो हमारे मोटे अनाज है जैसे बाजरा है, ज्वार है, रागी है, मड़ुआ, कोदो, रामदाना, और इन सबके बारे में इसमें इस अंक में बात की गई है। क्योंकि ये जून में अंक जब ये प्रकाशित हुआ है, आप देख रहे हैं इसमें बनाया हुआ है, ये जो जून में अंक प्रकाशित हुआ है, इस जून के अंक के प्रकाशन के लिए ये जो मोटे अनाज है ये खरीफ की फसलें हैं। बिल्कुल, यानी हम लोगों ने खरीफ समसामयिक जानकारी इसमें इन फसलों के बारे में हम लोग दिए हैं, जिससे किसानों को दो तीन तरह की चीजें या जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे उनको पता लगना चाहिए। एक तो पता लगना चाहिए कि कौन सी नवीनतम प्रजातियां आ रही हैं, उनके उनके बारे में उनको पता होना चाहिए, उन प्रजातियों के क्या लक्षण हैं, उनकी हम जो खेती है जो मोटे अनाज है जो गुणवत्ता युक्त है, पोषण युक्त है, जिसकी बात आजकल देश में की जा रही है कि जो हमारा पोषक है, पोषक तत्वों की कमी नहीं होनी चाहिए, अच्छा पोषण मिलना चाहिए, तो इसके बारे में चाहे वो प्रजातियां हो या इनका अधिक से अधिक उत्पादन हमें कैसे लेना है और इनमें हम जो मूल्य संवर्धन कैसे करें। आज जो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी बात है वो मूल्य संवर्धन की होनी चाहिए, तो वो सारी जानकारी हम मान सकते हैं डॉक्टर चतुर्वेदी इस पत्रिका में मिल जाती है, मूल्य संवर्धन की जानकारी। तो मूल संवर्धन की जानकारी भी हम लोग इसमें दे रहे हैं, और दूसरे जो हमारे नवयुवक हैं जो ग्रामीण अंचल में रह रहे हैं पढ़े लिखे नवयुवक हैं, वो कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं इन मोटे अनाजों को, दलहनों को, तिलहनों को लेके वो एक स्टार्टअप शुरू करें, वो अपना रोजगार शुरू करें, जिससे वो रोजगार मांगने की बात नहीं, वो रोजगार देने की स्थिति में कैसे हो, इस सबके बारे में हम लोग ये जानकारी इसमें हम लोग प्रकाशित।
जी बिल्कुल डॉक्टर चतुर्वेदी, जो इस पत्रिका में जो हम कह सकते हैं जिन लेखों का चयन किया जाता है वो किस आधार पर है, या जो खासतौर से लेखक हैं वो कृषि विश्वविद्यालय के हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं, या देश भर के जो विशेषज्ञ हैं जो अपनी राय रखते हैं कि अगर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं तो क्या सबसे बेहतर कारगर हो सकता है, इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है? जी जैसे अभी हम लोगों ने बहुत एक जो आपने कहा वही प्रयास किया है कि एक तो विश्वविद्यालय का ये जिम्मेवारी है, तो विश्वविद्यालय ने इस पत्रिका के प्रकाशन का जिम्मा लिया है जी, और साथ में हमारे जो जितने भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है जी, जो शोध संस्थान है, जैसे मैंने कहा मोटे अनाज का शोध संस्थान है वो हमारा हैदराबाद में है, ऐसे ही ICR का जो बाजरा का है उस पर जो काम होता है वो मंडौर में होता है, राजस्थान में होता है, दलहन के ऊपर जो काम है वो कानपुर में इसका केंद्र है। तो जितने भी हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है, जैसे पास में ही झांसी में चारा एवं चरागार अनुसंधान केंद्र है जी, बागवानी का भी है, तो ये जितने भी एग्रो फॉरेस्ट्री का है, तो जो भी हमारे आसपास के जो विश्वविद्यालय हैं या जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान है उनमें जो अच्छे वैज्ञानिक हैं जो उन पर कार्य कर रहे हैं, तो हम विशेष विषय के लिए उनसे संपर्क स्थापित करते हैं, उनसे लेखों का आमंत्रित करते हैं, फिर उन लेखों का क्रमबद्ध संकलन करके विषय वस्तु के हिसाब से हम अंक प्रकाशित करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ये अंक था जिसको अभी मैंने आपको दिखाया है कि बुंदेलखंड में मोटे अनाजों एवं छद्म अनाजों के उत्पादन और मूल संवर्धन के लिए था जी, इसमें एक हमने एक लाइन दी है, ये अंक इसके लिए हमारा डेडिकेटेड था जी। ऐसे ही हम हर अंक को बुंदेलखंड के लिए जो हमारी आवश्यकता है बिल्कुल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समसामयिक लेख जो तकनीकी लेख है जी, तो प्रसार से संबंधित लेख है उनको इसमें शामिल किया जाता है, इन अंकों का हम प्रकाशन कर रहे हैं जी। साथ ही डॉक्टर चतुर्वेदी जानना चाहेंगे आपसे कैसे ये किसानों को उपलब्ध हो सकती है और क्या इसका शुल्क रखा गया है? अभी तो इसको हम लोगों ने निःशुल्क रखा था जी, और इसका जो एक जो मुद्रण में जो खर्च आएगा, हम लोगों ने ये सोचा है कि जो मुद्रण में खर्च है उसका मूल्य निकाल के वही हम किसानों को उसका रखेंगे और ये बहुत सस्ती होगी। खासतौर से डॉक्टर चतुर्वेदी देखा जाए क्योंकि इसकी उपलब्धता की अगर बात की जाए, क्या विश्वविद्यालय प्रांगण में इसको किसान जो हैं वो इसको ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और खासतौर से अब कोरोना काल की अगर बात की जाए तो डिजिटलाइजेशन की हमने लगातार बात की, क्या इसका जो डिजिटल अंक है वो भी आने वाले समय में प्रकाशित हुआ है? बिल्कुल, अभी जो जून का अंक है उस पर हमारा जो जून तक नहीं किया था, लेकिन अभी हमने जून का जो अंक है जो अभी नवीनतम अंक आया है इसका भी हमने ई प्रकाशन प्रारंभ कर दिया है और उसको विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया है ताकि किसान भाई जब चाहे अपने मन से तब उसको डाउनलोड करके पढ़ें। ये काफी अच्छा अगर किसानों के नजरिए से देखा जाए तो जी बिल्कुल। इसके साथ साथ एक दूसरी पत्रिका का भी आपने जिक्र किया, दूसरी भाषा में जो लगातार यहाँ से पत्रिका निकाली जाती है जिसका फायदा और ज़्यादा किसानों को मिल सके, क्योंकि ना सिर्फ बुंदेलखंड क्षेत्र की हम बात करें बल्कि अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ भी अगर किसान चाहें तो उनको जानकारी मिल सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजभाषा को पूरे प्रदेश में और देश में जानने वाले सभी लोग हैं जी, और जो ज़्यादातर किसान भाई राजभाषा के बारे में परिचित हैं, लेकिन फिर भी जैसे कि आपने कहा कि देश के तमाम ऐसे भूभाग हैं कि जहाँ अभी भी राजभाषा में जो किसान भाई है उनको उतनी समझ नहीं है, या जो हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसार कार्यकर्ता है उनको भी जानकारी नहीं है जी। तो इसके लिए हम लोगों ने इसी पत्रिका का कुछ थोड़े से कुछ परिवर्तन करते हुए और जो एग्री लाइफ है, एग्री लाइफ नाम से एक पत्रिका निकाली है जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसान भाई देख सकते हैं, ये विश्वविद्यालय से एग्री लाइफ के नाम से जी, ये अंग्रेजी में पत्रिका है, इसमें जो लेख हैं ये सारे जो अंग्रेजी भाषा में है जिसमें हमने चित्र भी दिए हैं जी, और जो भी जानकारी संबंधित जानकारी है इस पत्रिका में। ये काफी महत्वपूर्ण है कि जो इसमें प्रकाशित हो रहा है उसको हम आसानी से पढ़ सकें समझ सकें, तो क्या आने वाले समय में क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उसमें भी इसको प्रकाशित करने पर किस तरह की योजना अभी तक बनी है? क्योंकि ये विश्वविद्यालय मूलतः उत्तर प्रदेश में स्थित है जी, तो इसमें अभी हम लोगों ने अन्य जो भाषाएं हैं उनमें तो हम लोग प्रकाशन का योजना नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये कहा है कि जो इसके लेख हैं वो कोई भी जो विश्वविद्यालय है या संस्थान है अगर अपनी भाषा में जो वहाँ की उस प्रदेश की जो बोलचाल की भाषा है उसमें अगर इसका अनुवाद करके अगर किसानों को वितरित करना चाहता है तो विश्वविद्यालय उसका स्वागत करेगा, और विश्वविद्यालय से जो भी उनको सहयोग चाहिए वो विश्वविद्यालय सहयोग सबके साथ करेगा जी। ये हमारा एक अपना विचार है, और हमारे जो माननीय कुलपति हैं डॉक्टर अरविंद कुमार जी, उनका ये विशेष प्रयास रहा है कि जो भी तकनीकी है उसे संबंधित जानकारी पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में पहुंचे, क्योंकि विश्वविद्यालय में
हर प्रदेश के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण। फिलहाल डॉक्टर चतुर्वेदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की और बताया कि कैसे कृषि जीवन या एग्री लाइफ की भी अगर हम बात करते हैं कितना ये महत्वपूर्ण है और कैसे कोशिश की जा रही है किसानों के बीच तक जानकारी पहुँचाने के लिए। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा कृषि शिक्षा खंड। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में कोरोना के चलते कई तरह के रोजगार जो हैं वो ठप हुए हैं, लेकिन एक क्षेत्र है जिसके अंदर अपार संभावनाएं आज भी दिखाई दे रही हैं और कल भी रहेंगी, और वे है खेती किसानी का क्षेत्र। हमारे कई ग्रामीण युवा किसान आज के समय में खेती किसानी को अपनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि शहरों में रहने वाले युवा भी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसी के संबंध में आइए तमाम विस्तार से जानकारियाँ हासिल करें कृषि विशेषज्ञ से। जो ये क्षेत्र है वो किस तरह का रोजगार का जो है अवसर युवाओं को देता है ताकि वो इसे देखते हुए इस कोर्स को अपनाएं, इसलिए सबसे पहले यही जानना चाहूंगी मैं, जो फिशरीज का उद्योग है वो कितना बड़ा है और किस तरह के रोजगार की संभावनाएं इसमें व्यापक तौर पर है। जी बिल्कुल, इस फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को करियर बनाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें कितनी करियर की अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको ये कोर्स करने के बाद कहाँ कहाँ रोजगार मिल सकता है और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। जी। अब हम सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम फिशरी उद्योग के बारे में चर्चा करें तो हमारा हम आज इस फिशरीज तो फिशरीज एक्वाकल्चर जो बिजनेस है जो उद्योग है जिसे हम कहते हैं, हम विश्व में तीसरे स्थान पे है। जी। हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे हैं और 75 देशों को हम लोग अपने प्रोडक्ट फिशरीज एंड एक्वाकल्चर की प्रोडक्ट का हम लोग निर्यात करते हैं, जिससे हम लोगों को 45,000 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। तो सोच लीजिए कितना बड़ा विकल्प है करियर के लिए, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है करियर के लिए और किस तरह इसको अगर जैसे अब आजकल नई टेक्निक्स में और भी मॉडिफाई की जा रही है, न्यू टेक्निक्स इंट्रोड्यूस की जा रही है, इस उद्योग को और व्यापक रूप से और विस्तार बड़े स्तर पे किया जा रहा है और इसमें और रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है, करियर के अच्छे अवसर के रूप में इसको देखा जा रहा है। तो मुझे लगता है अभी जैसे कि 1.5 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़े हुए हैं, रोजगार पाते हैं इस उद्योग में, इस करियर में जुड़कर, मुझे लगता है कि इसी तरह मॉडिफिकेशन और इसको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज को हम लेते जाएंगे तो इसमें मुझे लगता है करियर के लिए, रोजगार के लिए और बहुत अच्छे अवसर उपलब्ध होने वाले हैं। तो इसलिए इस बैचलर ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर साइंस को हम लोग अगर करियर के रूप में चुनते हैं तो ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। बिल्कुल। जो ये कोर्स है इसके लिए जो आवेदन है फॉर्म्स वो कब मिलने लग जाते हैं और इसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि लिखित परीक्षा भी देनी पड़ती है तो क्या उसका फॉर्मेट जो है वो किस तरह का होता है? आमतौर पे इसमें फरवरी से मार्च के बीच इसका जैसा मैंने बताया NTA.ac.in वेबसाइट पे अपडेट आना शुरू हो जाता है और उसमें आप एप्लीकेशन आप
अपना अप्लाई करना का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें उस पर निगरानी रखिए अपना वेबसाइट पे, और उसमें पूरा आपको अपडेट मिलेगा, उसमें आप अप्लाई करके कर सकते हैं। एग्जाम मई जून में आमतौर पे होते हैं, और जहां तक एलिजिबिलिटी एरिया का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सवाल है, इसमें जो छात्र बैचलर ऑफ फिशरी साइंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th होना अनिवार्य है, और 12th जीव विज्ञान भौतिकी और इसके साथ साइंस के साथ होनी चाहिए। ठीक है, इसको जीव विज्ञान साइंस स्टूडेंट के लिए मस्ट है, क्योंकि इससे आगे जाके जीव विज्ञान का एक अहम रोल होता है। बिल्कुल अरुणा जी, अब इस कोर्स के बारे में हमें बताइए कि इस कोर्स को करने के लिए कितनी फीस लगती है, ये कोर्स कितने सालों का है, और किस तरह की जो जानकारियां हैं उस कोर्स के जरिए मिलती है युवाओं को, छात्रों को? देखिए, ये 4 साल का कोर्स है। ठीक, बैचलर ऑफ फिशरी साइंस 4 साल का कोर्स है। इसमें 6 महीने की आपको इंटर्नशिप दी जाती है, जिसे कहते हैं ट्रेनिंग दी जाती है जी। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जैसे 12th है और साइंस बैकग्राउंड होनी चाहिए एंटर, और इसको 4 साल करने के बाद आप कहीं किसी भी अच्छे संस्थान में, सरकारी नौकरी में, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में, और अपना उद्योग भी लगा सकते हैं, और इसमें बहुत अच्छी करियर की अपॉर्चुनिटीज के रूप में इसे देखा जा सकता है। आपने हमें बहुत ही अहम, बहुत ही अच्छी जानकारियां दी है अरुणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो किसान भाइयों बहनों, कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां तो आपने हासिल कर ली, लेकिन अब समय हो चला है कुछ मनोरंजन का। तो आज के इस मनोरंजन सेगमेंट में आपके लिए क्या लेकर आए हैं खास, आइए देखते हैं। भाइयों बहनों, हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि परिक्रमा कार्यक्रम में तमाम दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।